संसद में आज बजट को लेकर विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बजट पर सवाल खड़े किए। राजीव शुक्ला ने कहा कि इस बजट में कृषि बजट को घटा दिया गया, फर्टिलाइजर और फूड पर सब्सिडी काट ली गई। इतना ही नहीं, रेल बजट की परंपरा खत्म हो गई। पूरे बजट में रेलवे की उपेक्षा की गई। आंध्र बिहार वाले रो रहे हैं कि कुछ नहीं मिला है। मेरी उनकी सत्तारूढ़ दल उनके एमपी से बात हुई, एक दो मैं नाम नहीं लूंगा, उनका सब कुछ नहीं मिला है। सिर्फ अमरावती राजधानी के लिए कुछ दे दिया जो देने ही था। कोई भी सरकार होती तो राजधानी को उतना पैसा देती है, बाकी उनको कुछ नहीं दिया गया चंद्रबाबू नायडू जी को। और बिहार में एक पावर प्लांट और एक सड़क, और उसमें भी सुना है मैंने कि जो वो भी दिया है जो अमरावती वाला, उसमें भी कहा है कि विश्व बैंक से फाइनेंस हम करा देंगे, उसमें स्टेट को अपना शेयर देना पड़ेगा। तो मैं इस पर निर्मला जी से एक्चुअली स्पष्टीकरण चाहूँगा कि वो जो उन्होंने आंध्र प्रदेश को दिया है वो क्या है, डायरेक्ट उन्होंने इसकी मदद दी है या विश्व बैंक के जरिए। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में भी जो दिया है वो पैसा किस मद में दिया जाए, क्योंकि उनकी ओरिजिनल मांग जो थी वो थी कि हमें जो है स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्योंकि मैं योजना मंत्री तो हर बार जो है कि बिहार से मांग आती थी विशेष राज्य का दर्जा, और नीतीश जी बार बार इस बात को बोलते थे, तो ना उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और ना चंद्रबाबू नायडू जी चाहते तो उनको दिया गया, तो उनको भी कुछ नहीं मिला। तो एक्चुअली ये बजट ऐसा है जिसमें पहली बार है कि किसी को कुछ मिला ही नहीं है।